हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ LAD वर्सेस LAA MLB बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ में हम बात करेंगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, और आपको ये भी बताऊँगा कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कितने मैच जीते हैं। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और दोस्तों वीडियो एंड तक देख लेना, क्या पता इस वीडियो में आप GLB विन कर जाएँ। बाकी इस वीडियो के बाद आप अच्छा खासा विन तो कन्फर्म करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपके साथ काफ़ी बंदे जुड़ भी चुके हैं। तो दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं, तो प्राइस ब्रेकअप देख लेते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है जो ग्रैंड लीग आती है बेसबॉल के अंदर वो 1 लाख रुपये की आती है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 लाख रुपये की आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको 6 टीमें प्रोवाइड करवा था टेलीग्राम पर, लेकिन एक टीम में किसी का लॉस हो गया, उसके कारण मैं आपको टीम प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ GL के लिए। मैं आपको स्मॉल लीग के लिए टीम प्रोवाइड करवा रहा हूँ एक टीम। और दोस्तों हमारी टीम काफ़ी अच्छी खासी जा रही है पिछले 3-4 मैचों से, और जो मेरी टीम लगा रहा है वो अच्छा खासा विन भी कर रहा होगा। तो दोस्तों अब बात की जाए कि किस मैच टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, कितने मैच जीते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ LAD माई फेवरेट टीम है दोस्तों, LAD और SFG ये मेरी फेवरेट टीम है दोस्तों। तो LAD के बारे में बात करें तो LAD के डोडगर्स ने अभी तक 109 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर इन्होंने 65 में विन और 48 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी टीम है, तो इनका रेशियो काफ़ी अच्छा खासा है, तो इनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। दोस्तों मैं वही बात करूँ LAN के एंजल्स के बारे में, तो इन्होंने भी 109 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर पिचमेन में विन और 54 में लॉस का सामना किया है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छी खासी टीम है दोस्तों, लेकिन जो LAD है यानी कि डोडगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी खासी टीम है। तो इस यहाँ पर हम 5-4-6-3 ये को बना कर चल सकते हैं, लेकिन हम 3 और 6 को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टीम्स के बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब बात करें ड्रीम टीम के बारे में, तो ड्रीम टीम दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर रखा है, मैं यहाँ पे 6-3 का कॉम्बिनेशन बना के रख सकता था, लेकिन दोस्तों मुझे LAA से काफ़ी अच्छे प्लेयर मिल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 प्लेयर LAA के उठा लिए हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करेंगे कि आपको अपनी टीम के लिए किस फील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, किस को चूज करना है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने इस टीम में 2 ऑफ फील्डर, 5 इनफील्डर, 1 पिचर कैचर को उठाया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑफील्डर के बारे में, तो बैट्स दोस्तों आप अपनी टीम में कैप्टन लेकर चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में चाहे बंदा 8 पॉइंट्स लेकर रहा हो वो, लेकिन अगले मैच में आप देख लेना काफ़ी परफॉर्मेंस में रहेगा। लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको स्टैट के आधार पर दूंगा, अच्छे खासे स्टैट निकालूंगा, उसी के आधार पर आपको टीम दे दी जाएगी। तो आपको टीम के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैप्टन के बारे में बात करें तो दोस्तों पिछले मैच में बंदा फ्लॉप था, लेकिन इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। दोस्तों मुंशी के बारे में बात करूँ तो ये भी पिछले मैच में फ्लॉप थे, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, आप अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। टर्नर के बारे में बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप चले, लेकिन उससे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आप अपनी GL टीम में एज अ प्लेयर के चल सकते हैं, और SL में भी यानी आप एज अ प्लेयर लेके चल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वही बात करें सीकर के बारे में, तो सीकर दोस्तों पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे 1-2 मैचों में, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड। हाँ देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद फ्लॉप चले, फिर उनको प्ले का मौका नहीं दिया गया, लेकिन एक मैच में और ये आप ड्रीम टीम में रह गए थे, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में लिए उठा लिया है। दोस्तों फ्लेचर के बारे में बात करूँ तो फ्लेचर आप देख सकते हैं पिछले हर मैच परफॉर्मेंस में चल रहा है ये बंदा, तो आप इन्हें अपनी टीम में लेकर जरूर चलिएगा। दोस्तों पिचर के बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले मेफील्ड दोस्तों इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, और पिछले मैच भी ड्रीम टीम में थे, उससे पिछले मैच भी ड्रीम टीम में थे। दोस्तों काफ़ी अच्छा खासे प्लेयर है, इनको प्ले का मौका दिया जाएगा तो ये कुछ अच्छा खासा भी कर दिखाएंगे। पिचर के बारे में बात करूँ तो मैंने बॉलर को उठा दोस्तों एज अपनी टीम में पिचर उठाया दोस्तों, और कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने स्टासी को अपनी टीम के लिए एज अ कैचर उठाया है। तो दोस्तों टीम का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 2 आउटफील्डर, 5 इनफील्डर, 1 पिचर और 1 कैचर को उठाया है। तो दोस्तों बात होती है कैप्टन और वॉइस कैप्टन के बारे में, तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है मेरे लिए कैप्टन के लिए पास काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है बैट्स, और वॉइस कैप्टन के लिए हमारे पास मुंशी की काफ़ी अच्छी चॉइस है। दोस्तों मुंशी जी पिछले 2 मैचों से काफ़ी रुपचल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।